रमजान की तरफ से अहमद नदीम ऐवान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। अहमद नदीम ऐवान मुशायरा जहाँ भी होता है बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है, ये जैसे आप लोगों को इतना अच्छा कलाम सुन रहे थे हमारे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग को बहुत दूर थे हम लोग सोच रहे थे क्या 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 अच्छा कह रहे थे। मेरे एक दोस्त हैं आफ्रीति हैं पश्तो जबान की और हम लोग आवाज़ पश्तो जो है वो बड़ी अच्छी अच्छी सी मेरे साथ कभी कभी किसानी मुशायरा में चले जाते मैंने एक जगह कलाम पढ़ा वो बड़ी वाह वाह कर रहे थे कुछ उनसे के वाह 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 आप लोगों को समझ नहीं आएगी, आप लोग बाबा करते जाएंगे और हमारे एक अधीन पाकिस्तान से गए रशिया एक अधीनों का वक्त किया था वो जो हमारे अधीन है डॉक्टर नाम मुझे याद है वो मजाक निगार हैं रशिया में जब एक जगह वो जब बात करते थे तो वहाँ के रशियन जो अधीन थे वो भी मजाक निगार थे वो उनकी बातों को ट्रांसलेट करते थे रशियन जबान में। तो एक जगह हमारे अधीन ने एक तवील लतीफा सुनाया तो रशियन जो अधीन थे उन्होंने एक लफ्ज कहा और रशियन वो पूरा हाल जो है हंसने लगा। बाद में हमारे अधीन ने उनसे पूछा कि मैंने इतना तवील लतीफा सुनाया और आपने एक लफ्ज को उसको इतना तर्जमा कर दिया। उन्होंने कहा नहीं हमारी कौम के पास इतना टाइम नहीं है, मैंने अपने लोगों से कहा कि वाज़ मेहमान ने लतीफा सुनाया है जरा से क्या कह रहा है। आज भी कुछ सिचुएशन इसी किस्म की है, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ अपना हिंदो कलाम पेश करता हूँ। लेकिन उससे पहले हमारे हिंदो के शायर सूफी शायर और हिंदो के वालिद जिनको अल्लामा इकबाल ने कहा था वो थे हैं उनका नाम है उस्ताद मलिक शोरा उस्ताद अहमद अली साइंस। उनकी उनका कलाम मैं एक हल्फीम की पेश करता हूँ तबक़त के लिए। अलफ़े अवल है आलम हस्त सियो हातिफाप पुकारा बिस्मिल्लाह। अलफ़े अवल है आलम हस्त सियो हातिफाप पुकारा नबिश्त होया हंस के कलम सिर मारा बिस्मिल्लाह। नक्शा नोहे महफूज दे विच सीने कलम फरिश्ते आने हम शुक्र गुजारा बिस्मिल्लाह शुक्र गुजारा बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। नमूद और नुमाइश लोग पड़े हुए हैं तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं जो लोगों को तनज भी लेके जा रही हैं। तो उस पर मैंने अपनी नज़र एक गज़ल में पेश किया था
اور دوسری چیز جو میں نے پیش کی تھی وہ ہمارے پشاور میں، پشاور کے جو مقامی لوگ ہیں جن کی وہاں جائیدادیں ہیں جن کا وہاں نام ہے، وہ لوگ پشاور کو چھوڑ کر آہستہ آہستہ مائگریٹ ہو رہے ہیں، کوئی باہر کی طرف ملک سے باہر جا رہے ہیں، کوئی پشاور سے باہر جا رہے ہیں۔ وہ ایک المیہ سا تھا جو میں نے اپنی شاعری میں اس کو کچھ اس طریقے سے پیش کیا، نمو تو نمائش ریاوانچ لوگ، نمو تو نمائش میں لوگ پھنس گئے ہیں، نمو تو نمائش ریاوانچ لوگ، پہ گئے دیکھ سزاوانچ لوگ، زمین اتنے پیر نہیں ٹکتے، رہندین انج ہواوانچ لوگ، شہر نو چھوڑ کے وس گئے سارے، دشتاں تے سہراوانچ لوگ، شہر دے مالک بن گئے جڑے، رہندے آئے سراوانچ لوگ، شہر دے مالک بن گئے جڑے، رہندے آئے سراوانچ لوگ، کم کوئی اجیا کر ندیم، رکھن یاد دعاوانچ لوگ۔